एक वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे शादी के कि शशि शर्मा की मौत के बाद उनकी गर्भवती पत्नी नेहा देवी विधवा हो गई। हालांकि वह भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घटना पानापुर थाना क्षेत्र स्थित बजरंग चौक की है, जहां स्थानीय खजरी गांव निवासी शशि शर्मा अपनी गर्भवती पत्नी को बाइक से बैठा कर ले जा रहे थे। उसी बीच अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे शशि शर्मा की मौत मौके पर हुई है। वही गर्भवती पत्नी पटना में। शशि शर्मा की कैसे दुर्घटना मौत हुई है? लोग आ रहे थे, आपका साहिबगंज से आ रहे थे, साहिबगंज पुल बंगड़ा पुल जो बना हुआ है, बंगड़ा पुल पार किए हैं। पार करने से जस्ट जो बड़ा वाला बोर्ड लगा हुआ है पुल के एंट्री के लिए, पुल के पास में वहाँ पुलिस चौकी का लगा हुआ है, आपका ड्राम वगैरह रखा हुआ है, वहीं पर हुआ। कौन थाना दुर्घटना हुआ है? वो आपका पानापुर और बैकुंठपुर दोनों थाना वहीं पर बॉर्डर पर ही है, वो आपका प्यारेपुर पंचायत पड़ेगा। शशि शर्मा के साथ बाइक पर कौन कौन था? उनकी वाइफ थी और शशि शर्मा थे और एक छोटी लड़की थी 12-13 साल का। तो शशि शर्मा की मौत कहाँ हुई है? वहाँ यहाँ पहुँचते ही उन मतलब गाड़ी पे ही डेड कर गए थे, उतारने टाइम जो नहीं जा पाए। और पत्नी उनकी? पत्नी उनकी अभी अवस्था ख़राब है, उनको इसलिए पटना रेफर किया गया। अभी डॉक्टर साहब से संपर्क किए तो बोले कि पटना इनको रेफर कर दीजिए। और जो बच्ची थी 12 साल की? हाँ वो अभी सही है, वो घर पे है, उनका कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, ठीक है। शशि शर्मा के आप कौन हुए? वो हमारे चाचा के लड़के हैं। चाचा का? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम चुनचुन शर्मा। घर? खजूरी थाना पानापुर। थाना पानापुर।